दिल्ली हाई कोर्ट में सेम जेंडर वालों की मैरिज की मान्यता को लेकर के एक और याचिका दायर की गई। गे और लेस्बियन कम्युनिटी से संबंधित चार और लोगों ने इसी गुरुवार को हाई कोर्ट में दायर याचिका में आग्रह किया कि अदालत यह निर्णय करे कि स्पेशल मैरिज एक्ट यानी SMA के तहत किसी भी दो व्यक्ति के बीच, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, विवाह हो सकता है। दिल्ली सरकार ने पहले दायर इस याचिका में जवाब दिया कि SMA में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें दो लड़कियों की शादी हो सकती है। दिल्ली सरकार ने कहा कि वह इस संबंध में अदालत के निर्देश का पालन करेगी और पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट में पहले ही हिंदू विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत समान विवाह की मान्यता के लिए 3 याचिकाएं दी गई हैं। यह इस संबंध में अतिरिक्त याचिका है। जस्टिस राजीव सहाय और अमित बंसल की पीठ ने संयुक्त याचिका पर 3 पुरुष और 1 महिला को केंद्र से प्रतिक्रिया की मांग की है, जिन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि किसी भी दो व्यक्ति के जेंडर की परवाह किए बिना स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की अनुमति दी जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने पीठ को आश्वासन दिया कि वह पहले की याचिकाओं पर जवाब दाखिल करेगी। अदालत ने मौजूद याचिका समेत 4 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने की मांग करने वाली 2 महिलाओं द्वारा दायर की गई याचिकाओं को अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दायर की है। मित्रों, इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सबसे पहले की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ सबसे बेस्ट जानकारी हम आप तक पहुंचाने की गारंटी देते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। और चश्मा कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा।